हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो लास्ट फ्राइडे के दिन 40 पैसे की गिरावट देखने को मिली और इस स्टॉक में ऊपरी लेवल से 4% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिल रही है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा है, जहां पर इस स्टॉक में एक ऊपरी लेवल से बिकवाली होती हुई नजर आ रही है और इस स्टॉक में एक हफ्ते में 9% की गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में एक बॉटम बनता हुआ नजर आया 11 रुपए 76 पैसे, वहां से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और इस स्टॉक का एक बड़ा सपोर्ट लेवल जहां पर ये स्टॉक उसके पास ही करंट प्राइस पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 8 रुपए 90 पैसे। 8 रुपए 90 पैसे इस स्टॉक का एक बड़ा सपोर्ट लेवल निकल के आता है, जहां से इस स्टॉक में एक पहले भी एक बड़ा सपोर्ट रिवर्सल देखने को मिला था। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको एक स्टॉप लॉस ट्रेड करना चाहिए जो कि यहाँ से 20 पैसे नीचे 8 रुपए 90 पैसे। अगर यहाँ से इस स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिलता है तो आपको शॉर्ट टर्म टारगेट 9 रुपए 50 पैसे और सेकंड टारगेट 9 रुपए 70 पैसे तक के देखने को मिलेंगे। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैंगे तो आप इसमें 8 रुपए 50 पैसे एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए आप 10 से 11 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, पर एक स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें इस स्टॉक में, क्योंकि ये एक पैनी स्टॉक है जिसमें गिरावट भी भारी मात्रा में देखने को मिलती है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।